You just wanna hold it, don't wanna swim it over. It feels like you got it, you want your roller coaster. Don't ask me about my freedom, don't ask me about my wisdom. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सिल्क की साड़ी को ओपन पल्लू में पहन सकते हैं। साथ ही ये भी बताऊंगी कि विंटर्स में किस तरीके से आप स्टाइलिश दिख सकते हैं, बिकॉज अभी जो है वेडिंग सीजन जो है भर भर कर है, मतलब हर किसी के घर में शादियां होने वाली हैं। और सर्दी ने भी जो है ना गजब कर रखा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं अपने फंक्शन को और किस तरीके से आप स्टाइलिश दिख सकते हैं विंटर्स में भी, वो भी साड़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ मैंने ब्लाउज को रिप्लेस किया है ब्लैक कलर के स्वेटर के साथ। ये जो स्वेटर है ना, ये बहुत ही महीन पतले जो धागे का होता है ना उसका बना हुआ है, तो ये बहुत ही गर्म भी होता है और साथ ही आपको एक ब्लाउज का लुक भी देता है। तो अगर आपके पास दो स्वेटर हैं, एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का, तो आप उसे किसी भी साड़ी के साथ जो है इजीली पेयर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है स्वेटर को टक इन करके जो है पेटीकोट के अंदर डाल लिया है। उसके बाद मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट की। तो सबसे पहले जो है आगे वाली प्लेट्स जो है आप अच्छे से टक इन कर लीजिए। और बहुत सारे जो लोग हैं ना वो पीछे वाली प्लेट्स को भी जो है ना वो भूल जाते हैं। आपको कभी भी जो ना पीछे वाला जो पार्ट है ना उसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो आपको दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो औरों को भी नहीं दिखता है, सबको दिखता है। तो आपको अच्छे से पीछे वाले पार्ट को भी अच्छे से टक इन कर लेना, देख लीजिए इस तरीके से। उसके बाद जो है अब ये वाला पार्ट तो हो गया है। अब मैं अपना पल्लू वाला जो पार्ट है उसे लूँगी और इसको पीछे से जो है मैं घुमाऊंगी और इस तरीके से आगे लेकर आऊँगी। और जब भी आपको ओपन पल्लू करना होता है तो आपको अपने जो नीज़ है उससे नीचे नहीं जो है साड़ी को करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर, तो आपको अपने कभी भी घुटनों से नीचे साड़ी के पल्लू को सेट नहीं करना है। अगर उससे नीचे किया ना तो पल्लू बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बस अभी मैंने केवल इसको इस तरीके से ऐसे रख लिया रफली, बाद में जो है मैं इसे सेट करूंगी। अब जो है नीचे वाली प्लेट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जो है मैं प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूंगी, यहाँ पे रखूंगी। उसके बाद जो है जो हमारी प्लेट्स हैं वो बनाऊंगी। और कैची जिस तरीके से चलाते हैं ना, सेम उसी तरीके से जो है आपको अपना जो हैंड है वो चलाना है। और उसके बाद एक प्लेट की जो जगह है, मतलब देखिए एक प्लेट में बन सकती थी, उतनी जो है वो मैंने छोड़ दी है और साड़ी को मैंने अच्छे से झटक लिया है। क्योंकि जब आप साड़ी को अच्छे से झटकते ना, क्योंकि सिल्क की साड़ी तो थोड़ी स्टिफ रहती है, तो अगर आप साड़ी को अच्छे से झटक लेंगे तो आपकी साड़ी बिल्कुल सेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो जो अभी जो पार्ट एक प्लेट का जो पार्ट छोड़ा था ना उसे हमें टक इन बिल्कुल नहीं करना है, इस वाले पार्ट को। और बची हुई जो प्लेट्स है ना उसे हमें टक इन कर लेना है। और फिर जो है पल्लू को हमें इस तरीके से खींचना है। अभी जो नीचे वाला पार्ट है ना उसे हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक बार हम पल्लू को सेट कर लेंगे उसके बाद जो है नीचे वाला पार्ट करेंगे। तो जितना भी लंबा छोटा पल्लू आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पिन लगा लिया है, आप भी उस अकॉर्डिंग लगा लीजिए। उसके बाद अब जो है इस वाले पार्ट को ऐसे हमें खींचना है। और ये वाला जो है, क्योंकि ये जो है पार्ट दबा नहीं है, तो इसको इस तरीके से रखना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे मैंने हाथ डाला है और इसको अच्छे से जो है टाइट तरीके से आपको खींच लेना है। और यहाँ से जो है हम खींचेंगे और ऐसे गोल घुमाएंगे और इस तरीके से अंदर टक इन कर लेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से टक इन नहीं किया ना तो साड़ी जो है अच्छे से बंद कर नहीं आएगी। तो ये पार्ट बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं, इससे जो है ना साइड में बहुत अच्छा कर्व आता है। और उसके बाद बची हुई साड़ी को अच्छे से टक इन कर लेना है हमें। और यहाँ देख सकते हैं साड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है बंध गई है। अब जो है ऊपर वाली जो पल्लू है ना उसको हम फिर से एक बार सेफ्टी पिन कर लेते हैं, बिकॉज अभी जो है मैंने सिंपली किया था। तो ऊपर वाला सेफ्टी पिन निकाल लेंगे और फिर दोबारा से हम यहाँ पर सेफ्टी पिन से इसे पिन अप कर देंगे। अच्छा क्या होता है ना कि जब भी आप सिल्क की साड़ी को पहनते हैं तो वो ना ऊपर की तरफ भागती है। मतलब उसका जो पल्लू होता है ना वो ऐसे हमेशा बस आप ऐसे ही सेट करते रहते हो, कभी नीचे वाला जो पल्लू होता है उसे आप सेट करते हो। मतलब सारा ध्यान ना पूरे फंक्शन में सिर्फ आपका आपकी साड़ी के ऊपर ही होता है। और क्योंकि इस समय जो है ना सिल्क की साड़ी बहुत ज्यादा फैशन में है तो पहनना सबको है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि मतलब किस तरीके से सेट करें। तो आप जो है साड़ी को सेट कर लेते हो इस तरीके से थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अपने आपका जो ध्यान है ना फिर भी उसी में रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना वो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप ना अपने फंक्शन को इंजॉय कर पाए, ये नहीं कि बस आपका साड़ी पर ही ध्यान रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, साड़ी को इस तरीके से ओपन कीजिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो एक जो सेफ्टी पिन है वो मैंने आप नीचे ऊपर पल्लू में लगाया, तो अभी दो सेफ्टी पिन और कहाँ लगाएंगे कि आप जो है बिल्कुल फ्री हो। तो आप पता है क्या करेंगे, आप इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से खींच कर जो दूसरा सेफ्टी पिन है वो जो है यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और जो एक और सेफ्टी पिन है ना वो आप अपने पल्लू में लगाएंगे, जहाँ पे पल्लू आपने सेट किया है वहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से अंदर। तो आपको जो टोटल 3 सेफ्टी पिन लगाने हैं। तो इस तरीके से अगर आप साड़ी पहनेंगे ओपन पल्लू में तो बहुत ही ज़्यादा हैसल फ्री रहेगा आपके फंक्शन। और यहाँ पर जो है मैंने रेड कलर का चोकर पहन लिया है, बिकॉज ब्लैक कलर की साड़ी है तो मैंने इसको पूरा जो पेयर किया है रेड कलर के साथ किया है। और हाथ में जो है मैंने चूड़े पहन लिए हैं, बिकॉज इस समय जो है ना रेड कलर के चूड़े ना बहुत ज़्यादा फैशन में है। इसके साथ अगर मैं ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पहनती ना तो उतना अच्छा गेटअप नहीं आता, बिकॉज जो स्वेटर है ना वो फुल स्लीव का है, तो रेड पहना है इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और बालों में छोटा सा बन बना लिया है और आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं वो लगाए हैं मैंने, वो भी रेड कलर के। सारा जो गेटअप है वो मैंने ब्लैक प्लस रेड का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं लुक कितना ज़्यादा निखर कर आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से साड़ी में स्टाइलिश दिखने का, साथ ही साथ ठंडी से बचने का भी। वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना वहाँ पर बेल आइकन आएगा, उससे भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।